पर ये जो हर्षद और एसबीआई की बातचीत चल रही है पक्की है? 100%। इस बार मेहता मरेगा, बुरा फंसा है। मैंने कुछ दिनों से तो लेक्सस एसबीआई के बाहर ही खड़ी है। सुनने में आया है कि आज तक इतने चक्कर काट चुका है कि एक दिन चक्कर काकर गिर जाएगा। He has returned a big chunk, पर कुछ अभी भी बाकी है। बाजार तो बंद है, बाहर भी कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है। तो तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? SBI को जो पैसा वापस कर रहा है वो कहां से ला रहा है ये पता नहीं। He hasn't liquidated any of his stocks. बस ये SBI वाली न्यूज एक बार ऑफिशियली बाहर आ जाए तो हर्षद के सारे स्टॉक्स गिराने का अच्छा चांस मिल सकता है हमें। लोगों का विश्वास तो उठ ही जाएगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। घंटा अपॉर्चुनिटी है। तुम लोगों के पास हर्षद जैसा दिमाग ही नहीं है। न्यूज आने से पहले वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बना लेगा। स्ट्राइक है, जब मार्केट ही नहीं खुलेगा तो पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ करेगा? बेंचद अपने आप को अपडेट तो रखा करो कम से कम। पता नहीं तुमको, ब्रोकर्स और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, कल मार्केट चालू हो जाएगा। सेटलमेंट को खींचा भी तो जा सकता है। मनु भाई की मार्केट है, आपको बस इशारा करने की जरूरत है। कितने दिन तक बंद रखना पड़ेगा? जब तक न्यूज बाहर नहीं जाती। द मार्केट शुड ओनली ओपन वंस देयर इज पैनिक ऑल अराउंड। मार्केट में तो मरेगा ही। SBI को देने के लिए जो पैसा बाहर से उठाया है वो भी रिटर्न नहीं कर पाएगा। यू किल हिम इन द शेयर मार्केट, वी विल स्टैब हिम इन द मनी मार्केट। बॉम्बे मैं संभाल लूंगा, लेकिन बाकी के स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या होगा? कलकत्ता मुझ पर छोड़ दीजिए और बाकी सब तो वही करेंगे जो BSE करेगा। लेकिन ये SBI वाली न्यूज जो है ना, ये जल्दी बाहर आनी चाहिए। स्ट्राइक ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाएंगे।